इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर गाइस आज हम फाइट करने वाले हैं कुछ टीनी टीनी कार्स को, लेकिन उससे पहले तुम लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उठाइए ना। ओ भाई यार रिंगटोन की आवाज इतनी तेज हो रखी है कि पूरी सिटी को आवाज सुन जाए। बाकी भाई ये सिंचैन साला अच्छे से हगने भी नहीं देता, अब क्या काम है इसको पता नहीं। उठाइए ना। अबे सिंचैन क्या हुआ भाई, तू रो क्यों रहा है? अबे साले बता तो सही क्या हुआ। फ्लैंकलिन वो। अबे भाई फोन कट कर दिया। भाई क्या हुआ इसको जो इतनी जोर जोर से चिल्ला के रो रहा था? पता नहीं भाई, एक बार चल के ही देखते हैं कि इस साले को क्या हुआ। लेकिन एक सेकंड भाई भागो। हाँ साला इस सिंचैन के चक्कर में पिछवाड़ा धोना भी भूल गया। बाकी अब इसके घर चल के देखते हैं। भाई मुझे तो लग रहा है कि ये सिंचैन किसी छोटे से बच्चे का लॉलीपॉप लेके भगा होगा और इसलिए उस बच्चे के पापा ने इसको पकड़कर अच्छे तरीके से कुटा होगा। और बाकी इसके घर चल के पता करते हैं। अबे साले चुप, जब से देख रहा हूँ सिर्फ रो ही जा रहा है। बात तो बता कि क्या हुआ। बैगन फ्लैंकलिन भैया वो मैं कल कुछ तीनी तीनी तीनी। अबे ये तीनी क्या है? अले तीनी तीनी यानी छोटी। अबे तोतले टीनी है वो। हाँ वही 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 तो। हाँ मैं कुछ तीनी तीनी कार्स लाया था जो कि चोरी हो गई। बस इतनी सी बात यार। भाई मैं ढूंढ लाऊंगा तेरी टीनी कार, बस तू चुप हो जा। okay. और हाँ मैंने अपनी कार्स में ट्रैकर लगा रखा था तो उन कार्स की लोकेशन की फोटो है मेरे पास। ठीक है भाई उन फोटोज को मेरे पास भेज दे, मैं तेरी कार्स ढूंढ लाऊंगा। हाँ ठीक है। भाई ये सिंचैन दिखने में तो एकदम बेवकूफ नॉनसेंस और गधा किस्म का आदमी लगता है, बट यहाँ पे इस टिंगू ने अपनी छोटी छोटी कार्स में भी ट्रैकर लगा रखे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बाकी चलो अब इसकी टीनी कार्स को ढूंढने। भाई थार वो भी एकदम ब्रांड न्यू। यार इस टिंगू से सिंचैन के पास ये कार कहाँ से आई? पता नहीं। कुछ भी हो अब तो इसकी थार को मैं ही लेके जाऊंगा। पता है हरामी हो बेटा। ऑलराइट गाइस, तो सिंचैन ने मुझे यहाँ पे सारी टीनी कार्स की फोटो भेज दी है और फर्स्ट हमारी यहाँ पे है एक छोटी सी मस्टैंग, एंड इसका बैकग्राउंड देखते ही पता लग रहा है कि ये छोटी सी कार कंस्ट्रक्शन साइट पे है। तो अब अपनी थार को भगा के सीधा ले चलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट। ओ भाई गाइज ये सामने क्या है, लैम्बोर्गिनी टर्जो और लैम्बोर्गिनी ईवो एक साथ खड़ी है यहाँ पे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। भाई कार तो दोनों ही दिखने की काफी मस्त है, बट इन दोनों कार में से बेस्ट कार कौन सी ये पता करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो की, जाके देखो तुम लोगों को पता चल जाएगा। और हाँ जरूर देखना, काफी मस्त और फनी वीडियो है यार ये। बाकी अब तो फिलहाल उस सिंचैन की टीनी मस्टैंग को लेने चलते हैं। तो ये रही वो कंस्ट्रक्शन साइट। बाकी फोटो में जैसे कि वो सीमेंट के कट्टे देखे थे, वो कट्टे तो इन बिल्डिंग्स के ऊपर ही है, तो एक एक करके सारी बिल्डिंग्स के ऊपर चल के देखते हैं। भाई थक गया इस सिंचैन के चक्कर में। बाकी अब इन सीमेंट के कट्टों के ऊपर चढ़ के देखते हैं कि वो टीनी मस्टैंग यहाँ पे है या नहीं। ऑलराइट गाइस, तो फर्स्ट मुझे यहाँ पे ये टीनी मस्टैंग जीटी कार मिल चुकी है। एंड गाइस सही है कि ये कार मुझे पहली बारी में ही मिल गई, नहीं अगर मुझे और बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना पड़ता तो मैं ऊपर चढ़ता चढ़ता ये ऊपर चला जाता। बाकी अब इस टीनी मस्टैंग को फटाफट से लेकर नीचे चलते हैं। ऑलराइट, तो मैं इस छोटी सी और प्यारी सी मस्टैंग जीटी को लेकर नीचे तो आ गया हूँ, बाकी अब फटाफट से इसको अपनी थार की डिग्गी के अंदर रखते हैं। ऑलराइट गाइज वर्क इज डन, मैंने आराम से अपनी मस्टैंग जीटी को इस डिग्गी के अंदर रख दिया है। बाकी अब अपनी थार के अंदर बैठते हैं और फटाफट से इस कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर निकलते हैं।
गाइज नेक्स्ट हमारी कार है ये टीनी थार एंड इसका बैकग्राउंड देख के लग रहा है कि ये वो वाली बिल्डिंग है जो कि रैंप वाले एरिया में है एंड उस बिल्डिंग के बीच में स्पेस है और ये थार भी शायद वहीं खड़ी है तो फटाफट से वहीं चलते हैं। ऑलराइट गाइस तो मैं इस बिल्डिंग के पास तो आ गया हूँ बट भाई ये बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है मैं इसके ऊपर कैसे चढ़ूंगा पता नहीं। ओ भाई यहाँ पे एक जेट पैक खड़ा है इसकी हेल्प से मैं बिल्डिंग के ऊपर जा सकता हूँ। ऑलराइट गाइस तो मुझे यहाँ पे ये छोटी सी थार भी मिल चुकी है बाकी अब फटाफट से इसको लेकर नीचे चलते हैं। तो गाइस हमारी टीनी थार को भी मैं नीचे लेके आ गया हूँ बाकी अब इस थार को थार की डिग्गी के अंदर ही रखते हैं। उठाइए ना। अबे फ्रैंकलिन कितनी देर हो गई तुझे गए अब तक मेरी कार ढूंढी है या फिर नहीं। भाई सिंचन तू टेंशन मत ले मैंने तेरी दो कार्स ढूंढ दी बस एक टीनी कार रह रही है। हाँ तो फिर उसका भी ढूंढ के ला जल्दी से टाइम वेस्ट मत कर मेरा। अबे एक तो काम करवा रहा है ऊपर से अकड़ भी दिखा रहा है। कोई नहीं सिंचन बेटे देख लूंगा तेरे को तुम्हें। अरे तू जा रही। ओके तो गाइज लास्ट हमारी टीनी कार है ये सुपरा MK4 बाकी इसका बैकग्राउंड देखते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कार हमें बीच पे मिलने वाली है तो फटाफट से बीच पे चलते हैं। अबे रुक तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सॉरी। ओके तो गाइज मैं बीच पे आ गया हूँ बाकी जैसी फोटो में मुझे लोकेशन दिखी थी वैसी लोकेशन सामने दिख रही है तो फटाफट से वहाँ चलते हैं। ऑलराइट गाइस तो मुझे यहाँ पे टीनी सुपर MK4 मिल चुकी है बाकी भाई ये दिखने की क्या मस्त लग रही है मेरा तो इसको एक बार चलाने का मन कर रहा है यार एक बार चला के देखते हैं इसको यार इस कार को चला के तो मेरा दिल गार्डन हो रहा है बहुत मजा आ रहा है यार। बाकी भाई बहुत चला लिया इस कार को बच्चों की तरह अब इस कार को सिंचन को दे देते हैं नहीं वो बच्चों की तरह जरूर रोएगा। बात तो सही है। ओके तो गाइस मैंने टीनी सुपर MK4 को भी अपनी कार के डिग्गी के अंदर रख दिया है बाकी ये क्या मैसेज आ रहा है जी अगर आपके पास भी है टीनी यानी छोटी छोटी कार्स तो कांग्रेचुलेशन आप करोड़पति बनने वाले हैं क्योंकि सिटी में इन कार्स की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एंड मैं आपको बता दूं कि हमारी सिटी में इस टाइम पे एक टीनी कार की कीमत है लगभग 10 लाख रुपए तो अगर आपके पास भी है ये टीनी कार तो आइए और करोड़पति बन जाइए। सिंचन बेटा एक काम कर तू रोई ले मैं तो चला करोड़पति बनने।